फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और आई नो इंडिया में भी फुटबॉल के उतने ही फैन हैं जितने वर्ल्ड वाइड है। और ये मेरे को जान के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जो टॉप 3 कंट्रीज है जहाँ के लोग रशिया गए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने, उनमें से इंडिया भी एक है। बट इंडिया में एक और स्पोर्ट्स है जिसका क्रेज फुटबॉल से भी ज्यादा है और वो है क्रिकेट। तो आज मैं आपके सामने कुछ डाटा रखूंगा जो कंपेयर करेगा फुटबॉल का वर्ल्ड कप वर्सेस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और ये जो मैं सारे ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा वो ब्लूमबर्ग की साइट से लिए हुए हैं। तो जो ओरिजिनल जो इन ग्राफिक्स के जो क्रिएटर्स हैं वो हैं ब्लूमबर्ग, और नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके आर्टिकल का, वो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं आर्टिकल। तो चलते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ। मैं आपके सामने नो कंपैरिजन रखने जा रहा हूं। तो जो पहला कंपैरिजन है वो है कि जो दोनों वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं उनमें कितनी टीम पार्ट लेती है और फाइनल कितनी टीम पार्टिसिपेट करती है वर्ल्ड कप में। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसमें 211 नेशंस की टीम क्वालिफाइंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करती है, बट जो फाइनल स्टेज पे खेलती है वो है 32 टीम्स। ऑन द अदर हैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाइंग राउंड खेलती है वो 10 है और फाइनल पार्टिसिपेटिंग नेशंस भी 10 है। दूसरा फैक्ट, जो टीवी ऑडियंस है जो फीफा वर्ल्ड कप की है वो है 3.2 बिलियन और क्रिकेट वर्ल्ड कप की उससे आधी है तकरीबन 1.5 बिलियन। देन थर्ड फैक्ट इज काउंट ऑफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप टोटल जो फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं वो है 20 और जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं वो है 11। तो इसमें भी फीफा क्रिकेट से बहुत आगे हैं। और इसके बाद जो मेजर डिफरेंस है जो है फीफा वर्ल्ड कप 2014 ने $4,826 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया था। ऑन द अदर हैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप ने उससे 100 टाइम्स कम रिवेन्यू जनरेट किया था जो कि 2015 में हुआ था। और यही हाल खर्चों का भी है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में हुए थे $2,224 मिलियन खर्च और वहीं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में हुए थे $13.9 मिलियन खर्च। और उसके बाद प्राइज मनी कंपेयर करें तो फीफा वर्ल्ड कप के विनर को जो 2014 में था उसको मिले थे $35 मिलियन और जबकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर को मिले थे सिर्फ $3.97 मिलियन। तो इसमें भी 10 गुना ज्यादा उन्हें मिल रहे हैं। और उसके बाद टिकट्स की बात करें जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 की जो मिनिमम टिकट है वो है $105 की और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की जो मिनिमम टिकट होने वाली है वो होने वाली है सिर्फ $27 की। और उसके बाद लाइव ऑडियंस की बात करें जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 के स्टैट्स हैं वो है 53,592 लोगों ने लाइव देखा था एक मैच ऑन एन एवरेज फीफा वर्ल्ड कप 2014। ऑन द अदर हैंड आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 से उससे भी आधे से भी कम लोगों ने देखा था ऑन एन एवरेज जो कि आता है 21,071 पीपल। बात करें फॉरेन मिनिस्ट्री की तो वो भी उसमें भी बहुत गैप है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 देखने के लिए 600,000 फॉरेनर्स आए थे। ऑन द अदर हैंड आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 देखने के लिए 1,45,000 फॉरेनर्स आए थे। तो ये थे कुछ कंपैरिजन फुटबॉल वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप में और ये डाटा प्रेजेंट किया था ब्लूमबर्ग क्विंट ने। आई नो बहुत सारे क्रिकेट फैंस को ये वीडियो ऑफेंसिव लगेगी बट स्टिल मेरा काम था आपको डाटा प्रेजेंट करना तो वो मैंने किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।